प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका भाग फर्स्ट बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स और आपका पेपर है थर्ड। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो। जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो और सर्वदा उस बिंदु की ओर दृष्ट या डायरेक्टेड हो, तो कण की गति को सरल आवर्त SHM कहते हैं। स्थिर बिंदु गति का केंद्र, सेंटर या बल केंद्र कहलाता है। ए पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मोशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर SHM, सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति। तो मान लेते हैं AOA रेखा पर बिंदु O स्थिर है और T समय पश्चात गतिमान कण बिंदु P पर है, जहां OP बराबर X है। चूंकि कण का त्वरण X के समानुपाती तथा केंद्र O की ओर है, अतः इसकी गति का समीकरण ये डायग्राम में जैसे AO और A, O क्या है, स्थिर बिंदु है और T समय पश्चात कण बिंदु P पर है और OP बराबर क्या है, X है, और कण का जो त्वरण है वो X के समानुपाती तथा केंद्र की ओर है, तो इसकी जो गति का समीकरण होगा वो क्या होगा, x:-μx, जहां म्यू एक अचर है, कांस्टेंट है इक्वेशन फर्स्ट, या x:- क्या होता है, त्वरण होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v dv/dx = -μx, या v dv = -μx dx। तो दोनों और क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, v²/2 = -μx²/2 और प्लस c। तो जब v²/μx²/2 से क्या किया, पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया, तो v²/(−μx²+2c), तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट है तो c1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v²/−μx²+c1। मान लेते हैं कण बिंदु A पर तात्कालिक विरामावस्था में आता है, जहाँ OA = a है, तब A पर x = a तथा v = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मानते हैं कि जो कण है A बिंदु पर पहुँचता है तो क्या है, विरामावस्था में आ जाता है, तो उस समय उसका वेग क्या हो जाता है, 0, और दूरी कितनी है, a है, तो उपरोक्त समीकरण से v का मान कितना है, 0 = -μa²+c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आएगी, μa²। इसे समीकरण में पुट कर देंगे तो v²-μx² और प्लस μa² c1 की वैल्यू, तो म्यू कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a²-x² इक्वेशन सेकंड। जो किसी भी दूरी पर कण के वेग को व्यक्त करता है। अब निम्न दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहला केस मान लेते हैं, एक कण बिंदु A से विरामावस्था से बिंदु O की ओर चलता है, और इस स्थिति में
कण बिंदु ए से विरामावस्था से बिंदु ओ की ओर चलता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है उससे वेग क्या आ जाएगा, v बराबर अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस से एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस। तो v बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस से एक्स की स्क्वायर माइनस चिन्ह, चूँकि एक्स घट रहा है या एक्स का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या डी टी बराबर एक बटे में अंडर रूट म्यू और एक बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस से एक्स की स्क्वायर डी एक्स, दोनों और समाकलन कर देंगे तो ये तो आ जाएगा टी इक्वल टू एक बटे में म्यू और ये फार्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी टू। परंतु जब टी बराबर जीरो हो और एक्स बराबर ए हो, टी का मान जीरो और एक्स बराबर ए हो, तो हमारे पास सी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्राप्त होगी। वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, टी का मान जीरो और एक्स बराबर ए तो वन हो गया, और कोस इनवर्स वन कब होता है, जीरो पर होता है, तो ये भी जीरो, तो सी टू क्या आ गया, जीरो। तो टी बराबर एक बटे में अंडर रूट म्यू कोस इनवर्स एक्स बटे में ए, या इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर ए कोस अंडर रूट म्यू टी। थर्ड केस सेकंड, मान लेते हैं कण बिंदु ओ से किसी वेग से गति प्रारंभ करता है और बिंदु ए पर विरामावस्था में आता है, तो इस स्थिति में समीकरण दो से v बराबर डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू प्लस अंडर रूट म्यू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस, क्योंकि x का मान क्या है, बढ़ रहा है इसलिए प्लस का निशान लिए है। अब या डी टी इक्वल टू एक बटे में अंडर रूट म्यू एक बटे में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर डी एक्स, समाकलन करने पर t बराबर एक बटे में अंडर रूट म्यू और ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी थ्री। परंतु जब x का मान जीरो हो और t का मान भी जीरो हो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सी थ्री क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए t इक्वल टू एक बटे में अंडर रूट म्यू साइन इनवर्स x बटे में a, या फिर x इक्वल टू a साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू t। एरो का निशान यानी कि o से a की तरफ जा रहा है और तीसरी समीकरण में a से o की तरफ था, इक्वेशन फोर। समीकरण तीन और चार t समय पश्चात कण की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। नेचर ऑफ SHM सरल आवर्त गति की प्रकृति। SHM में केंद्र से किसी दूरी x पर त्वरण f इक्वल टू x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू x तथा वेग v बराबर रूट के अंदर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बिंदु a x बराबर a पर त्वरण इक्वल टू माइनस म्यू ए जो परिमाण में अधिकतम एवं ओ की दिशा में है तथा वी बराबर जीरो जो न्यूनतम है। अब बिंदु ओ एक्स बराबर जीरो पर एफ बराबर जीरो जो न्यूनतम है एवं वी बराबर अंडर रूट म्यू ए जो अधिकतम है, तो हम देखते हैं कि कण ए से ओ की तरफ शून्य वेग एवं म्यू ए त्वरण से अपनी गति प्रारंभ करता है, परंतु धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है एवं त्वरण कम होता जाता है। ओ पर पहुंचते ही इसका त्वरण शून्य हो जाता है एवं वेग अंडर रूट म्यू ए हो जाता है जो अधिकतम है। इस वेग के कारण कण ओ को पार करके ए ओ रेखा में आगे बढ़ेगा और ओ को छोड़ते ही इसमें दूरी के समानुपाती ओ की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, फलतः इस ऋणात्मक त्वरण के कारण इसका वेग कम होने लगेगा और x बराबर माइनस ए दूरी पर इसका वेग a डैश पर शून्य हो जाएगा, परंतु इस दिशा में ओ की दिशा में अधिकतम त्वरण म्यू ए है। तो कहने का मतलब है कि SHM गति में अधिकतम जो वेग होता है वो बिंदु ओ पर होता है और उसका मान होता है अंडर रूट म्यू ए, ए और ए डैश पर इसका वेग क्या होता है, जीरो, और ओ बिंदु, परंतु इस बिंदु ओ की दिशा में अधिकतम त्वरण कितना होता है, म्यू ए होता है।
ओ बिंदु पर त्वरण क्या होता है? जीरो, जो न्यूनतम है लेकिन वेग अधिकतम है। और ए बिंदु पर वेग जीरो, तो इससे हमारे पास परिणाम यह निकलता है कि कण ओ की ओर अपनी गति प्रारंभ कर देगा, जो ठीक वैसी ही होगी जैसी ए से ओ की ओर थी। इस प्रकार कण की गति ए से ए डैश और फिर ए डैश से ए तक दोलायमान होती है। चरम बिंदु ए से केंद्र ओ तक चलने का समय t1 हो तो 3 में x बराबर 0 और t बराबर t1 रखने पर जो समीकरण 3 है हमारे पास, उसमें x का मान 0 और t का मान t1 रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा? t1 इक्वल टू 1 बटे अंडर रूट म्यू कोस इनवर्स 0, या फिर कोस इनवर्स 0 का मान, कोस में 0 कब होता है? 90 पर, पाई बटे 2। तो ये आ जाएगा t1 बराबर आ जाएगा पाई बटे 2 अंडर रूट म्यू। अतः ए से ए डैश तथा ए डैश से वापस ए तक का कुल समय 4 इंटू टी वन इक्वल टू 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू होता है। कुल समय 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू होता है। सम डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सरल आवर्त गति का आयाम। एसएचएम के अंतर्गत गतिमान किसी कण की किसी भी विरामावस्था से केंद्र की दूरी ए एसएचएम का आयाम कहलाती है। किसी कण की किसी भी विरामावस्था से केंद्र की दूरी स्मॉल ए एसएचएम का आयाम कहलाती है। पीरियड ऑफ एसएचएम, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। तो एसएचएम के अंतर्गत गतिमान किसी कण के चरम बिंदु ए से चलकर वापस ए तक पहुंचने के समय को एसएचएम का आवर्तकाल कहते हैं। इसे प्राय कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है टी बराबर 2 पाई बटे में अंडर रूट म्यू। तो स्पष्ट है कि एसएचएम का जो आवर्तकाल इसके आयाम पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आयाम क्या होता है? स्मॉल ए होता है, और इस फार्मूले में स्मॉल ए नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो सरल आवर्त गति है का जो आवर्तकाल है वो आयाम पर निर्भर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इकाई समय अर्थात एक सेकंड में पूर्ण दोलनों ऑक्सीलेशंस की संख्या को गति की आवृत्ति कहते हैं। यदि n आवृत्ति हो एवं t आवर्तकाल हो तो n बराबर 1 बटे में आवर्तकाल इक्वल टू अंडर रूट म्यू बटे में 2 पाई। ये कुछ परिभाषाएं थी। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। मान लेते हैं एक कण P एक वृत्त में अचर कोणीय वेग ओमेगा से गमन करता है। फिगर 2.2 में जैसे यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a हो तथा P से वृत्त के व्यास BO a पर लंब PM हो तो O की और P का जो त्वरण होगा a ओमेगा स्क्वायर होगा। यदि कोण AOP इक्वल टू थीटा हो तो कण के त्वरण का AO की दिशा में घटक AO की दिशा में जो घटक है वो इक्वल टू क्या होगा? a ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में OM इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, जहां x इक्वल टू क्या है? OM, जो O की ओर है। फलतः P से व्यास पर डाले गए लंब की पाद m की गति का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जो स्पष्टतः SHM को व्यक्त करता है। अतः यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे तो उससे किसी व्यास पर डाले गए लंब का पाद एक SHM का अनुसरण करता है। यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे तो उससे किसी P बिंदु से उसके व्यास पर डाले गए लंब का जो पाद है यानी कि बिंदु M,
वो क्या करता है, एक SHM का सरल आवर्त गति का अनुसरण करता है। इफ़ ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कल विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पार्टिकल ऑन ए डायामीटर मूव्स विद SHM। एक बिंदु एक सरल रेखा में सरल आवर्त गतिमान है जहां इसकी दो स्थितियों में वेग u तथा v है और संगत त्वरण अल्फा तथा बीटा है, तो हमें सिद्ध करना है कि द पीरियोडिक टाइम इक्वल टू 2π अंडर रूट यू स्केयर माइनस वी स्केयर बटे में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। द एम्पलीट्यूड अंडर रूट के अंदर यू स्केयर माइनस वी स्केयर और ब्रैकेट में बीटा स्केयर यू स्केयर माइनस ए अल्फा स्केयर वी स्केयर और बटे में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन वी स्केयर माइनस यू स्केयर और बटे में अल्फा प्लस बीटा, बीटा बींग ग्रेटर देन अल्फा। तो माना केंद्र से दो स्थितियों की दूरियाँ एक्स वन तथा एक्स टू है, तो यू स्केयर इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस एक्स वन की स्केयर इक्वेशन फर्स्ट तथा वी स्केयर इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस एक्स टू की स्केयर इक्वेशन सेकेंड। ये जो हमने फार्मूला फाइंड किया था सरल आवर्त गति में वी स्केयर इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, उसी में है। अगर उसकी स्थितियाँ एक्स वन और एक्स टू हो तो यू स्केयर की वैल्यू और वी स्केयर की वैल्यू ऐसे प्राप्त होगी इक्वेशन एक और दो से। और अल्फा बराबर क्या, म्यू एक्स वन और बीटा बराबर म्यू एक्स टू थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले पार्ट ए सेकंड माइनस फर्स्ट, तो दूसरी में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू म्यू एक्स वन की स्केयर माइनस एक्स टू की स्केयर इक्वेशन पाँच, तथा तीन और चार से बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इक्वल टू म्यू स्केयर एक्स टू की स्केयर माइनस एक्स वन की स्केयर, तो इक्वेशन सिक्स। तो इक्वेशन छः को पाँच से भाग दे देंगे देंगे तो बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर बटे में बी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू माइनस म्यू इक्वल टू, या फिर म्यू इक्वल टू बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर बटे में यू स्केयर माइनस वी स्केयर, क्योंकि बीटा का मान अल्फा से बड़ा है। तो आवर्तकाल 2π बटे में अंडर रूट म्यू इक्वल टू 2π और म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा यू स्केयर माइनस वी स्केयर बटे में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ के प्रयोग से एक तथा दो को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, यू स्केयर इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस अल्फा स्केयर बटे में म्यू की स्केयर इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस अल्फा स्क्वायर बटे में म्यू इक्वेशन सेवन। इसी तरह से वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बटे में म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बटे में म्यू इक्वेशन आठ। अब क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या किया, सात को तो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और आठ को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सात में से आठ को घटाएंगे, तो क्या होगा, म्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे में म्यू और माइनस म्यू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे में म्यू। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे में म्यू तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और म्यू ए स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक बटे में म्यू, तो बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर। हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और बाकी वैल्यू ऐसी कैसी, बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर।
एम्पलीट्यूड स्मॉल ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर यू स्केयर माइनस वी स्केयर और बीटा स्केयर यू स्केयर माइनस ए स्केयर अल्फा स्केयर बीटा बी स्केयर और बटे में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इक्वेशन 9। हमें यही फाइंड करना था आयाम का मान। इसी तरह से सी पार्ट जो समीकरण थर्ड है उसको फोर्थ इक्वेशन से भाग देंगे, नहीं प्लस करेंगे। इक्वेशन थर्ड में क्या किया, इक्वेशन फोर्थ को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वेशन 10। और साथ में इक्वेशन पाँच में इक्वेशन 10 का भाग दे देंगे जो इक्वेशन पाँच थी। इक्वेशन पाँच वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू म्यू एक्स वन स्केयर माइनस एक्स टू की स्केयर, इसमें क्या करेंगे इक्वेशन 10 का भाग दे देंगे तो क्या होगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर बटे में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू एक्स वन की स्केयर माइनस एक्स टू की स्केयर और बटे में म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू। तो म्यू से म्यू कट गया और एक्स वन स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग गया एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू। तो एक्स वन प्लस एक्स टू ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स वन माइनस एक्स टू। तो यह दो स्थितियों के मध्य दूरी है इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर बटे में अल्फा प्लस बीटा। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।